आज जिस तरह से बाजार गिर रहा था, मेरे मन से तो एक ही आवाज रही थी, रुक 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 जाना, गिर जाना ओ मार्केट, इतना मत तुम गिर जाना के खतरा है बड़ा माना, रुक 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 रुक। भैया इतना बाजार गिर रहा था, रुक 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 करके रोकना पड़ा, पर रुका नहीं, आखिर तक गिरता रहा। कल की सारी मिठास जो है आज कड़वाहट में बदल गई। मजेदार बात यह है, आपको वीडियो में देखिएगा, मैंने समझाया है, साला ये रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली हो गई इतनी ज़्यादा। उसको सुबह ही पैनिक का शौक लग गया, इंजेक्शन मारते, घोड़े को मारते ना, घोड़े को और भैंस को देते इंजेक्शन, ठा, ऐसे लगता है सुबह रिटेलर को किसी ने ठा मैं इंजेक्शन मार दिया, उसको लगा बाजार गिरेगा गिरेगा, वो साला बेचता ही चला गया। तो आज तो रिटेलर्स का पैनिक था, डिटेल में वीडियो को समझिएगा, आज की वीडियो बहुत बड़ा लेसन है। FISDI कहते हैं एक वर्ड होता है, तटस्थ खड़े हुए हैं कि भैया हम नहीं डरेंगे, और रिटेलर की तो पैंटें गीली हुई। अब आपको क्या लग रहा है, क्या ये शुरुआत है? अगर रिटेलर ऐसे बिधक गया और बेचता चला गया तो क्या लगता है बाजार शुरुआत है? गिरेगा तो बताइए कितना गिरेगा, या वापस होके 25,000 काटेगा? अब आपको क्या लग रहा है, 25 कटेगा कि नहीं कटेगा इस बजट तक, यानी इस एक्सपायरी तक? फटाफट लिख डालिए कमेंट, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा ये मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। आज तो पूछने का मन नहीं कर रहा कैसे हैं आप, क्योंकि ज्यादातर लोग कहेंगे सर मरे हुए हैं आज। भाई साहब आज कमाल हो गया यार, आज ये कैंडल देखी, बस कल का लो काटना रह गया, अदरवाइज तो आज जितनी कल तेजी थी सारी साफ। यार ये मजेदारी चल रही है बाजार के अंदर, मतलब आदमी क्या बोले, मतलब हैरान हो जाता है, मतलब उसका ना मुंह जो है सिल जाता है, वो कहता है फंस जाता है वो। अब सब पूछ रहे हैं कारण क्या, कारण क्या, कारण क्या। अरे भाई कारण तो बन जाते हैं जबरदस्ती के, कारण तो मेन यही है कि कल जो है ना बहुत ज़बरदस्त खिंचाई कर दी थी, सारे कॉल राइटर्स को मारा था और आज पुट राइटर्स को मार दिया। और अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो आज पता नहीं क्या, कहाँ से क्या सदमा आया है, ऐसा लग रहा है जैसे रिटेल निवेशक जो है आज पागल हो गया, डर गया। मुझे लगता है स्पाइरल सा हो गया था, कल बहुत तेजी आई, जरा सा गिरा वो गिरता हो गया, गिरता हो गया, गिरता हो गया, गिरते गए, पता नहीं किसकी कार्रवाई थी। और मज़े की बात यह है कि इंडेक्स इतना नहीं गिरा जितना पोर्टफोलियो गिर गया, आज पोर्टफोलियो में बड़ी गिरावट है। मेरा कुल मिला के FNO और पोर्टफोलियो दोनों को जोड़ लो तो लगभग 70 पैसे का नुकसान हो गया एक दिन के अंदर। और भाई साहब मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गई नेगेटिव, मैं पहले ही टाइट चल रहा था, तो मुझको आज बहुत सारे शेयर बेचने पड़े, बहुत सारे शेयर मैंने लगभग 1400 तो वो बेच दिए स्टार के, 1000 के आसपास बेच दिए, 912 मन्नापुरम, इनमें मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, बहुत बड़ा प्रॉफिट, कुल मिला के आज प्रॉफिट जो है 10 पैसे से ज़्यादा करा है। तो उससे मेरी कैश रिक्वायरमेंट पूरी हुई, और शेयरों में 2.5-3% की गिरावट, वैसे तोते उड़ गए लोगों के। अब अगर आप कैंडल को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा हुआ क्या, कैंडल देखो कितनी ज़बरदस्त, इसको बोलते हैं मारुबोजू बेयरिश कैंडल, बेयरिश मारुबोजू कैंडल, क्योंकि देखो इसकी विक नहीं है लंबी चौड़ी, नीचे की तो है ही नहीं,
ऊपर की हल्की सी है, मेरा ख्याल दिख तो वो भी नहीं रही है ना, तो हल्की सी है ऐसे। तो इस और इसने कल की कैंडल को पूरा अपने अंदर समेट भी लिया, हालांकि नीचे की थोड़ी सी यहाँ रह गई हल्की सी भी, कि ये नीचे कल ज़्यादा लो बनाया था, आज उससे बेटर है, पर ऑलमोस्ट इसको बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल भी कह सकते हो आप, और मारूबोजू कैंडल भी है, तो ये बड़ी ख़तरनाक कैंडल है, मन में भय पैदा कर रही है। वैसे लोकेशन कैंडल की ठीक है, कैंडल ख़राब है, और ये जो बुलिश क्रॉस ओवर बन रहा था लगता है ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट आज साफ ही हो गया बुलिश क्रॉस ओवर, और RSI काफ़ी ठंडा हो गया, जो पहुंच रहा था 80 के आसपास 65 हो गया। अब इसको देखने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि अब बाज़ार बड़ा ख़राब हो गया, एक तरीका बाज़ार शांत हो गया, वो जो बाज़ार में ओवरबॉट जैसी सिचुएशन थी वो हट गई, मतलब बाज़ार में जो ग्रहण था वो हट गया। अब बाज़ार क्योंकि RSI भी रीज़नेबल हो गया, MACD भी न्यूट्रल हो गया, कैंडल ने कल के लोगों को वापस लपेट लिया, तो अब सब ठीक है, अब हो सकता है बाज़ार नॉर्मल गति से चले। पर एक बड़ा इवेंट रहता है, वो है बजट। बजट को लेके लोग बड़े परेशान हैं कि यार बजट में ये हो जाएगा, बजट में वो हो जाएगा, और मुझे लगता है बजट में कुछ होगा ही नहीं, कि बस मन का वहम है। तो अगर अब आप चार्ट्स पे देखोगे सिर्फ कैंडल ख़राब है, अदरवाइज सब ठीक है। अब आप देखो जरा ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल, मार्केट मूड अब 65 पे आ गया, यानी ग्रीड हो गया, अब ये भी स्टेबल हो गया, शांत हो गया, यानी जो ओवरबॉट वाली पोजीशन थी अब वो काफ़ी ठंडी हो गई है, तो उल्टा इससे ना थोड़ा डर निकल जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज बाज़ार गिरा है, उस तरह से एक बार को तो लोगों की स्टॉप लॉस सबके ट्रिगर हो गए। अब ये थोड़ा सा बढ़ा है, इसको तो फिर नेगेटिव ही कहना पड़ेगा ना, आपका US डॉलर इंडेक्स, क्रूड कम हुआ अच्छी बात है, रुपया और कमज़ोर हो गया, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है डॉलर रुपये के टर्म्स में, और आज ये US 10-year ट्रेजरी यील्ड खासी बढ़ी है, तो ये भी एडवर्स है। तो अब यही कहना पड़ेगा कि भैया ओवरऑल इंटरनेशनल इंडिकेटर्स क्या थे, आज अच्छे नहीं थे, नेगेटिविटी की तरफ ही थे, पर आज FIs का मुझे लग रहा था बड़ी बिकवाली आएगी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कैश सेगमेंट में भी अच्छी खासी खरीदारी है, देखिए आप 1506 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छी खरीदारी है 1108 करोड़ की। हाँ इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से बेचे हैं, ठीक है, उसमें वो काफ़ी ओवरबॉट से थे, तो कुल मिला के 585 की खरीदारी है, और आपकी कोई सेलिंग DIs ने भी ज़्यादा नहीं करी, और कुल मिला के 1044 करोड़ की खरीदारी है, और बाज़ार काफ़ी गिर गया। इसका क्या मतलब है? आज रिटेल निवेशकों के मन में पैनिक आ गया, रिटेल निवेशक आज मर गया, डर गया वो, और मुझे लगता है अच्छे रेटों पे माल बेच के, मुझे भी बेचना पड़ा आज माल, दिखा देता। अब ये भी काफ़ी रीज़नेबल हो गई है, मतलब बहुत रीज़नेबल तो नहीं कहूँगा, मतलब जैसे गर्माहट आ गई थी 80 के ऊपर थी ना, तो डर सा लग रहा था, 80 के ऊपर तो कभी गई नहीं, एक यहाँ मतलब जुलाई में ही गई है एक बार, 83 फिर 80 के ऊपर आ गई, अब 80 के नीचे आ गई तो अच्छा लग रहा है, और ये तो खैर अभी और भारी हो गया, यानी स्टॉक्स में जो लॉन्ग है FIs की बहुत भारी है, बहुत भारी है, ये देखने की बात है। आज सारे इंडाइसिस गिरे हुए थे, पहले कंपटीशन है, सबसे ज़्यादा कौन गिरा, सबसे ज़्यादा गिरा आपका मिड कैप 50, फिर स्मॉल कैप 50, 2.5% की गिरावट, फिर नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50, फिर स्मॉल कैप 100, फिर मिड कैप 100, फिर निफ्टी 500, फिर निफ्टी 200, फिर निफ्टी 50, और उसके बाद निफ्टी बैंक, यानी सबसे ख़तरनाक निफ्टी बैंक लग रहा था, वही सबसे कम गिरा, और ये आज फिर 2.14% बढ़ गया, और प्रीमियम 14.82 हो गया। लग रहा है डर, डर लगे तो गाना गा, डर लगे तो गाना गा, ऐसे भी हाँ वैसे भी हाँ। तो भैया डर लग रहा है, विक्स जिस तरह से भागा है, हालांकि 20 के ऊपर तो नहीं गया, अभी 15 के लपेटे में ही है, पर नीचे से काफ़ी कवर कर गया। अच्छा, आज 353 मात्र शेयर बढ़े हुए थे, और लगभग 2000 शेयर गिरे और 353, 350 बढ़े, यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो वन ऑफ द वर्स्ट है,
पर कई शेयर भाग रहे थे, इन्फोसिस, एम्फेसिस, आईटीसी, एस्ट्रा, ये अच्छे भाग रहे थे। हालांकि बहुत ज़्यादा तो तेजी नहीं थी परसेंटेज टर्म्स में, गिरावट बड़ी बड़ी थी। परसिस्टेंट देखिए, ऐसे लुड़का, कमिंस देखिए, एमसीएक्स देखिए, मदरसन देखिए, एक एक दिन में इनकी धजियाँ, कहते हैं ना भाषा होती ना, धजियाँ उड़ा दी। और 16 दिन बाजार गिरा है फुल, सिर्फ 5 शेयर हरे में गए हैं आज निफ्टी 50 के, 44 शेयर लाल में बैंड बजवा रहे थे। 24,800 में बाजार बंद हुआ, गैप अप ओपनिंग लाइफ टाइम हाई 24,853, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा 24,854 का लाइफ टाइम हाई लगाया, फिर मारते मारते 24,508 पे आ गया। यानी अगर आज आप देखो तो लगभग 340 पॉइंट का मूवमेंट था बाजार में, वो भी नेगेटिव साइड, और सारा दिन बाजार गिरा। अब अगर FIs ने खरीदा, DIs ने खरीदा, तो साला बेचा किसने? रिटेल ने। यानी रिटेल पैनिक में था, रिटेल को हजम नहीं हो रही तेजी, वो डर गया, वो बेचता चला गया, बेचता चला गया, बेचता चला गया, बेचता चला गया। भैया रिटेल ने इस वक्त घबराहट दिखाई है। और ये 6 शेयर थे, इन्फोसिस, ITC, एशियन पेंट, ब्रिटानिया, LTI, माइंट्री, HCL टेक, बाकी सब लाल में थे। सबसे ज़्यादा टाटा स्टील, JSW, BPCL के नतीजे इतने ख़राब आए हैं, पागल सा गिर गया। ये भी हिंडालको, ONGC, NTPC, कोल इंडिया, कोई लेवल ही नहीं था, ऐसे फ्री फॉल था बाजार में। इसको तो हमने डिस्कस कर दिया। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस फाइनल है, अब तो मंथली वाली आ गई आपके सामने। 24,000 पे पुट राइटिंग हाईएस्ट है और यही मैक्सिमम पेन है। 25,500 पे कॉल राइटिंग हाईएस्ट है। अब बाजार बंद हुआ 24,530 पे, तो 24,500 को पकड़ो आप। 24,500 पे कॉल राइटिंग बढ़ी है, पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी, यानी पुट राइटर्स का विश्वास, कॉन्फिडेंस कॉल राइटर्स से ज़्यादा है। तो बाजार कह रहा है मैं 24,500 के नीचे तो किसी हालत में नहीं जाना चाहता। अभी पुट राइटर, आपकी घड़ी से ना रिफ्लेक्शन आ रहा है, पुट राइटर्स का जो है अभी ये मामला है। पर जैसे ही आप 24,800 पे जाते तो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम हो गई है। तो अब जो एक रेंज निकल के आती है आने वाले हफ्ते की, वो 24,500 से 24,800 आती है। बहुत सारे जानकार क्लेम कर रहे हैं कि सर 24,800 के ऊपर बाजार जा ही नहीं सकता। आप मान लो, लिख लो 25,000 के लेवल पे 70,000 की कॉल राइटिंग और 17,100 की पुट राइटिंग है। चूँकि पुट राइटिंग 25,000 24,800 पे भी सिग्निफिकेंट है, कॉल राइटिंग के मुकाबले कम है पर सिग्निफिकेंट है, तो मैं रूल आउट नहीं करूँगा कि 25,000 नहीं जा सकता। आई कैन नॉट रूल आउट, बट मैनी पीपल आर सेइंग सर अब टॉप बन गया, यहाँ से 1,000 पॉइंट का गिरावट आनी चाहिए, ऐसा लोग बहुत सारे बोल रहे हैं। आज तो TV पे भी एंकर्स ऐसे ही बोल रहे थे कि बाजार गड़बड़ हो सकता है, वो ये भी कह रहे थे भी 24,500 के नीचे बंद हुआ तो दिक्कत आएगी, हालांकि उसके नीचे बंद नहीं हुआ। और PCR देखिए बिल्कुल रीजनेबल हो गया। मैं वो कितने दिन से कह रहा था ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, कल भी मैंने बोला था ओवरबॉट जैसा है, क्योंकि कल ठंडा हो गया था, आज न्यूट्रल हो गया है। तो यानी बाजार में जो ओवरबॉट वाली स्थिति थी वो न्यूट्रल है, वो हर लेवल पे नॉर्मल हो गई। तो एक मेरा ओपिनियन ये भी है कि बाजार यहाँ से मजबूती के साथ आगे चल सकता है, क्योंकि अब ओवरबॉट वाली पोजीशन तो ठंडी कर दी, गर्मी निकाल दी। और रिटेल निवेशक का माइंडसेट चेंज करना है। मुझे लगता है रिटेल निवेशक को ना बजट से डर लग रहा है, घबराहट है बजट को लेके, डरा बैठा है, जिसकी वजह से आज उसको जरा सा पैनिक नजर आया, बेचते गए बेचते गए बेचते गए और FIs DIs ने लूट लिया बाजार। अच्छा अब भैया मैंने तो बता दिया आपको काफ़ी आज मेरे, अब पहले निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक में एक बड़ा हुआ था, 11 गिरे हुए थे, 52,620 पे बंद हुआ, उसके हल्की गैप डाउन ओपनिंग थी। आज का पीक शुरू में ही बनाया यहाँ पर 52,586 का, और उसके बाद गिरा, फिर अप एंड डाउन करता रहा। हालांकि बॉटम कई बार आज उसने टेस्ट किया 52,146 का, फिर अल्टीमेटली 52,265 पर 0.67% गिरकर आज बंद हुआ। एक ही शेयर हरे में था, वो सौभाग्यशाली शेयर था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बाकी सब गिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा, थोड़े भी नहीं, बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा। आप देखिए सबसे ज़्यादा फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट, PNB। अब इसका तो देखो, मैंने पहले भी आपको लगातार मैं बोल रहा हूँ, तो कंसोलिडेशन के मूड में है,
इवन आप इस इन दो कैंडलों को भी इसको जोड़ सकते हो। एक लंबा फेज जिसने कंसोलिडेशन का निकाल दिया। आज अच्छी बात यह है, बुरी बात यह है कि मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग दिए, यहाँ दिए, बाकी ठीक है। वैसे इतनी ज़्यादा इसमें मरत नहीं है, ठंडा है। अगर रिकवरी आएगी ना तो ये लीड करेगा, ऐसा मुझे लगता है। निफ्टी बैंक लीड करेगा आपकी बार रिकवरी में। अब यहाँ जैसे बाजार बंद हुआ 52,265 पर, तो 52,000 के और 52,500 पकड़ो। 52,000 पे कॉल राइटिंग हल्की सी बढ़ी है, पर पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है। 52,500 पे तो पुट राइटिंग बहुत, कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, पुट राइटिंग कम है, और मैक्सिमम पेन भी 52,500 पे। यानी निफ्टी बैंक में लोग कदरदानों की कमी है, बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। अब निफ्टी 50 का देखो ना, आपको समझ में आएगा। निफ्टी 50 देखो, उससे वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा है। निफ्टी बैंक में इस वक्त वॉल्यूम नहीं है, यानी निफ्टी बैंक से लोगों का शायद मन भरा हुआ है। PCR इसका बहुत हल्का है, बड़ी गुंजाइश इस वक्त, ये ओवरसोल्ड है। ये देखो ना 0.63 है, और इसका देखो PCR इसका 1.03 है। यानी अगर रिकवरी आएगी तो लीडर अब की बार निफ्टी बैंक होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मैंने यार आज काफ़ी काम किए, 5 फ्यूचर बाय किए, 1 फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजी लगाई, 2 स्क्वेयर ऑफ किए मैंने, 1 ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ किया, 2 स्टॉक स्क्वेयर ऑफ किए, 6 अग्रेसिव पुट बेची, 4 सेफ पुट बेची, और 8 बारी कैश सेगमेंट में खरीदारी करी। प्रॉफिट जो है मेरा काफ़ी बढ़िया रहा। अब आप इससे समझ सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ कैश सेगमेंट में, अब इसको प्रॉफिट मानो या फोर्स प्रॉफिट मानो, मैंने 912 बेचे थे एवरेज 221 पर, और ये 1400 बेचे थे एवरेज 952 पर। इनकी कॉस्ट काफ़ी कम है, देखो स्टार की जो कॉस्ट है वो 407 है मात्र, और इसमें मुझे 134% के आसपास का प्रॉफिट था जो मैंने निकाला है। और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या आज किया है। मन्नापुरम की कॉस्ट 116 है, 90% प्रॉफिट है लगभग इस पर मैंने निकाला है। तो ये इसकी सारी कहानी। इसके अलावा आज जो है मैंने टाटा कंज्यूमर के फ्यूचर को स्क्वेयर ऑफ किया, मैंने HCL टेक के फ्यूचर को स्क्वेयर ऑफ किया, और 2 कॉलों को स्क्वेयर ऑफ किया। टाटा कंज्यूमर के एक फ्यूचर को स्क्वेयर ऑफ किया था मैंने, फिर मन्नापुरम, फिर हाँ भाई यही थे, और बहुत सारे मतलब आज जैसे ट्रेड करे हैं, कुछ एक मिस भी हो गए, क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा ट्रेड हो जाते हैं कि वो संभलता ही नहीं है, हिसाब किताब ना पता ही नहीं चलता। लेकिन अब मैं आपको यही कहूँगा कि भाई कैंडल जो है ना निफ्टी, मुझे तो इतनी बुरी कैंडल नहीं लग रही, मुझे लग रहा है रिकवरी आ सकती है। अब ये सब मैं ट्रेड्स आपको सब चीज़ें वीडियोस देता हूँ सब, लेकिन मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता। कभी भी आप देखेंगे मैं किसी शेयर की सिफारिश नहीं करता, ये खरीद लो भग जाएगा, मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना है मेरा काम एजुकेशन का है, प्योर एजुकेशन, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। अगर आप सीखना चाहें, वैसे कोई पूछ भी लेता मैं तो अपने रिस्क कैपिटल से, कभी मुझे नहीं पता। अगर आप सीखना चाहें वीडियोज़ और डेमोज द्वारा, तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं व्हाट्सएप के, फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, या यूट्यूब पे भी आप मेरे मेंबर बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।